हेलो फ्रेंड्स, जीडीएस टू एमटीएस के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने वॉल्यूम 5 का जो ब्रांच ऑफिस बैग है यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट देखेंगे कैश बैग, नकदी थैला, यूज्ड टू एनक्लोज मिटांसिस ऑफ कैश बिटवीन पोस्ट ऑफिसेज। तो डाकघरों के बीच जो हमारे पास नकदी होती है, जो कैश होता है, उसके आदान प्रदान के लिए हमारे पास जो कैश बैग होते हैं उनका यूज किया जाता है। नोट ड्यू बैग्स और ये हमारे पास अपेक्षित थैले नहीं होते हैं। ऑर्डिनरली डिस्पैच्ड एंड क्लोज इन अकाउंट बैग्स, रजिस्टर्ड बैग्स और ब्रांच ऑफिस बैग्स। हमारे जो कैश बैग होता है उसको मुख्यतः अकाउंट बैग, रजिस्टर्ड बैग या फिर ब्रांच ऑफिस बैग में रख के भेजा जाता है। जब भी हमारे पास बीओ के लिए बैग भेजा जाएगा कैश, या फिर बीओ के द्वारा कहीं को कैश भेजा जाएगा, तो वो किस में रख के भेजा जाता है? बीओ बैग्स में। बट ऑल्सो बी सेंट लूज इन चार्ज ऑफ पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसीज एंड अदर सबोर्डिनेट। या फिर इसको पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसीड या फिर दूसरे इसके अंडर आने वाले कर्मचारियों के हाथ भी भेजा जा सकता है। स्पेशल बैग, विशेष थैला, एनक्लोज कोरस्पोंडेंस ऑफ द हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट और डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट बैन ऑन टूर। तो जब भी हमारे पास गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी सूची हमारे पास पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट बन के क्लोज नंबर 206 में है, या फिर महानिदेशक डाक जब भी टूर पर जाते हैं, तो उनके लिए जो पत्राचार होता है, उस पत्राचार को जिस बैग में रख के भेजा जाता है उसको क्या कहेंगे? स्पेशल बैग। स्पेशल बैग कंटेन्स अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। और जो हमारा स्पेशल बैग होता है इसमें हमारे पास अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी होते हैं और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी होते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टाइड इन सेपरेट बंडल वैन विद रजिस्टर्ड लिस्ट ऑन टॉप। और जो हमारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पंजीकृत पत्र होते हैं, इनको एक अलग बंडल में बांधा जाता है और जिसके ऊपर रजिस्टर्ड लिस्ट बांधी जाती है, पंजीकृत सूची बांधी जाती है। स्पेशल बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स। और हमारे स्पेशल बैग्स भी ड्यू बैग्स नहीं होते हैं, अपेक्षित थैले नहीं है। बट व्हेन डिस्पैच्ड ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग्स। बट जब इनको डिस्पैच किया जाता है, जब इनका प्रेषण किया जाता है, तो इनको अनयूजुअल मेल माना जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कैंप बैग, यूज्ड टू एनक्लोज ऑफिसेज फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर्स। हमारे जो कैंप बैग्स होते हैं, इनका यूज किसके लिए किया जाता है? जो ऑफिस फाइल्स होती हैं या फिर हमारे पास दूसरे ऑफिशियल पेपर्स होते हैं, उनको एनक्लोज करने के लिए हमारे जो कैंप बैग्स होते हैं, इनका यूज किया जाता है। क्लोज्ड बाय सेक्रेटरिएट और हेडक्वार्टर ऑफिसेज ऑफ द हाई ऑफिसर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन कैंप और वाइस वर्सा। तो इसमें हमारे पास, इसमें अब हमने पढ़ लिया कि इसमें ऑफिस फाइल्स और ऑफिशियल पेपर्स रख के भेजे जाते हैं, जो हमारा कैंप बैग होता है। अब ये ऑफिशियल फाइल्स और ऑफिशियल पेपर्स कौन इसमें रख के भेजता है, किसके द्वारा भेजा जाता है? तो हमारा सेक्रेटरिएट और हेडक्वार्टर ऑफिसेज, हमारा सचिवालय या फिर मुख्यालय किसी भी अधिकारी के लिए, जब वो कैंप में होता है तब उसके लिए रख के भेजते हैं ऑफिशियल फाइल्स या फिर ऑफिशियल पेपर्स। या फिर हमारा जो अधिकारी होता है, जो उच्च अधिकारी है, वो अपने सचिवालय के लिए या मुख्यालय के लिए इसमें हमारे पास जो भी उसके ऑफिशियल पेपर्स होंगे या ऑफिशियल फाइल्स होंगे उनको रखकर भेजेगा। कैंप बैग्स नॉट ड्यू बैग्स। और हमारे जो कैंप थैले होते हैं, अपेक्षित थैले नहीं होते हैं। बट व्हेन डिस्पैच्ड दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल। बट जब इनका प्रेषण किया जाता है, तो इनको अनियत डाक के रूप में माना जाता है। उसके बाद हमारे पास चेंजिंग स्टेशन, बदली स्टेशन, रेलवे स्टेशन वेयर वीट्स ऑफ टू ट्रांजिट सेक्शंस ज्वाइन एंड वेयर द मेल्स ब्रॉट बाय वन ऑफ देम आर हैंडेड ओवर टू अदर। तो हमारे पास कनेक्टिंग स्टेशन क्या होता है? उस रेलवे स्टेशन पर जहां दो अनुभागों की, ठीक है, टू ट्रांजिट सेक्शन यानी कि दो पारवहन अनुभागों की गश्त आपस में मिलती हो और एक गश्त के द्वारा लाई गई डाक दूसरी को सौंपी जाती हो, उसको क्या कहेंगे हम? चेंजिंग स्टेशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास कनेक्टिंग स्टेशन, संयोजक अनुभाग, एन आरएमएस सेक्शन वर्किंग इन अ ट्रेन इन इमीडिएट कनेक्शन विद एनदर ट्रेन इन विच एनदर आरएमएस सेक्शन वर्क्स। रेल डाक व्यवस्था का वह अनुभाग है जो किसी रेलगाड़ी में काम करता है और जो जिसका किसी अन्य गाड़ी से तत्काल मेल होता है, जिसमें रेल डाक व्यवस्था का दूसरा अनुभाग काम कर रहा है। इफ इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ वन सेक्शन एंड डिपार्चर ऑफ एनदर इज सफिशियंट टू कनेक्ट बैग्स एट जंक्शन स्टेशन सेक्शंस नोट टर्म कनेक्टिंग स्टेशन। यदि एक अनुभाग के आगमन और दूसरे के प्रस्थान के बीच का समय इतना है कि जंक्शन स्टेशन पर डाक कार्यालय उसके बीच थैले तैयार कर सकता है, तो अनुभागों को संयोजक अनुभाग नहीं कहा जाता है। तो अब हमारे पास कनेक्टिंग स्टेशन क्या मतलब हो गया इसमें? मान लीजिए हमारे पास दो ट्रेन आ रही हैं, ठीक है, अभी दोनों, एक पहुंच रही है, दूसरी भी पहुंच रही है, ठीक है, दोनों स्टेशन पे पहुंच गई हैं, बट
उनके बीच में दोनों के पहुंचने और दोनों के अलग होने का जो समय है, ठीक है, एक के आने का समय और दूसरे के जाने का समय बहुत कम है। तो इसमें क्या है हमारे पास कि दोनों ट्रेन्स के, अगर हमारे पास जो रेलवे मेल सेक्शंस होते हैं, जो रेल डाक व्यवस्था का अनुभाग है, अगर दोनों ही रेलगाड़ियों में काम कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे वो एकदम से जो भी एक की डाक होगी वो दूसरी में रख देंगे, ठीक है, एकदम से डाक का आदान प्रदान कर लेंगे। बट अगर इतना सफिशियंट टाइम है कि दोनों आराम से उनके दोनों के बीच, ठीक है, एक के जाने का टाइम और दूसरे के आने का टाइम, ठीक है, दोनों में इतना टाइम है कि जो हमारा जंक्शन स्टेशन है वहीं डाक थैले उसमें तैयार कर सकता है, तो उन अनुभागों को संयोजक अनुभाग नहीं कहा जाएगा। उनको तभी संयोजक अनुभाग कहा जाएगा अगर उनका तत्काल मेल होता है, यानी कि जल्दी से, बिल्कुल उसमें टाइम नहीं है, तभी उसको क्या कहा जाएगा, कनेक्टिंग स्टेशन कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास ओवर टाइम ड्यूटी, समयोपरि काम, ड्यूटी परफॉर्म्ड अंडर द ऑर्डर्स सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड ऑफिसर बाई दी सोर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, वैन पियर, पोर्टर, अदर स्टाफ ऑफ रेलवे मेल सर्विस आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टर्म ऑफ ड्यूटी। तो ओवर टाइम ड्यूटी क्या होती है हमारे पास, ऐसी ड्यूटी हमारे पास या फिर ऐसा काम जो हमारे पास सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर के आदेशों के बाद सोर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, बैन पीएन, पोर्टर या फिर रेलवे मेल सर्विस का जो अदर स्टाफ है उसके द्वारा किया जाता है, और कब किया जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टर्म ऑफ ड्यूटी, उनके जो काम का निर्धारित समय है उसके समाप्त होने के बाद किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, ओवर टाइम ड्यूटी कहेंगे, समयोपरि काम कहेंगे। उसके बाद है रेस्ट हाउस, विश्राम गृह, हाउसेज रूम्स प्रोवाइडेड एट टर्मिनल स्टेशन फॉर द अकोमोडेशन ऑफ मेल एजेंट्स, मेल गार्ड्स एंड बैन पियंस वेयर एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ऐसे मकान, ऐसे कमरे जो टर्मिनल स्टेशन यानी कि अंतिम स्टेशन पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और किसके रहने के लिए, जो मेल एजेंट्स होते हैं, मेल गार्ड्स या फिर बैन पियंस होते हैं, जहां पर अत्यंत आवश्यक हो वहीं पर ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और किसके लिए, मेल एजेंट, मेल गार्ड, बैन पियंस के लिए, उनके रहने के लिए, और ये कहां पे होते हैं, टर्मिनल स्टेशन पे। आपको दोनों तीनों चीजें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास केएसटीबी, कटघरा या फिर पारवहन थैला, मैनी लोट ऑफ बैग्स आर अवेलेबल फॉर डिस्टेंट प्लेसेस देन केस ट्रांजिट बैग इज यूज, जब एक स्थान के लिए बहुत ज्यादा बैग्स होते हैं हमारे पास, तब उनको केस ट्रांजिट बैग के अंदर रख के भेजा जाता है। इट इज लॉक्ड सील्ड एंड लेवल, इसको लॉक लगाया जाता है, सील किया जाता है और लेवल किया जाता है। अवॉइड्स अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ बैग्स बाय इंटरमीडिएट सेक्शंस, और इसमें क्या होता है, अब हमारे पास बहुत सारे बैग्स अगर भेजे जाएं तो जब उनमें रास्ते में उनका ट्रांजिट हो रहा है तो जब उनको हैंडल करना पड़ता है तो बहुत सारे बैगों को हैंडल करना पड़ेगा, बट अगर बहुत सारे बैगों को एक ही थैले के अंदर उसको सील लगा के बंद कर दिया जाए तो सिर्फ एक ही बैग को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उनकी अननेसेसरी जो हैंडलिंग होगी बहुत सारे बैगों की, उससे बचने के लिए केस ट्रांजिट बैग का यूज किया जाता है। की ऑफ केस ट्रांजिट बैग ऑलवेज सेंट इन सील्ड कवर, और हमारा जो केस ट्रांजिट बैग होता है, कटघरा पारवहन थैला होता है, उसको हमेशा सील्ड कवर में, उसकी जो चाबी रहेगी उसको हमेशा सील्ड कवर में भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास प्रेस पैकेट्स, पैकेट्स कंटेनिंग न्यूज़पेपर्स इंटेंडेड फॉर सेल बाय अ न्यूज़ एजेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच एंड मार्क्ड फॉर डिलीवरी फ्रॉम रेलवे मेल सर्विस वैन एट द रेलवे स्टेशन टू विच इट इज एड्रेस्ड, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त समाचार पत्र एजेंट द्वारा बिक्री के लिए समाचार पत्र भेजे जा रहे हों और जिसका वितरण रेलवे मेल सर्विस वैन से ही उस स्टेशन पर किया जाना हो जिसका पता पैकेट पर लिखा हो, उसको क्या कहेंगे, प्रेस पैकेट कहेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास ए ऑर्डर्स, बी ऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है। ए ऑर्डर्स और बी ऑर्डर्स दोनों ही सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस के द्वारा इशू किए जाते हैं। अब ए ऑर्डर्स किस चीज के लिए इशू किए जाते हैं, फॉर चेंजेस इन सोर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूची में अगर कोई परिवर्तन करना है तो ए ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस के द्वारा। और अगर बी ऑर्डर है हमारे पास, फॉर द गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज इन मेल ऑफिस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट अल्टरेशन इन सोर्टिंग लिस्ट। तो बी ऑर्डर्स किस लिए होते हैं हमारे पास, छंटाई सूची में परिवर्तन को छोड़कर, अल्टरेशन इन सोर्टिंग लिस्ट इस चीज को छोड़कर, डाक कार्यालय में कार्य संपादन के विषय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए जारी किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ अपने जो उसके ऑर्डिनेट्स अधिकारी होते हैं, मतलब कि उसके नीचे आने वाले जो अधिकारी होते हैं उनकी गाइडेंस के लिए किए जाते हैं, ठीक है। उनके जो भी हमारे पास मार्गदर्शन होता है कि वो काम को कैसे करें या कैसे ना करें, इस चीज के लिए ये ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। बी ऑर्डर्स इशू इन कनेक्शन विद डिस्पोजल ऑफ कैंप पार्टिकल्स एंड कैंप बैग्स फॉर हाई ऑफिसर। तो अगर हमारे पास जो बी ऑर्डर्स हैं उनको हाई ऑफिसर्स के जो कैंप पार्टिकल्स हैं या फिर कैंप थैले हैं उनके विषय में अगर इनको इशू किया जाए
तो लेटर टी विल बी परफिक्स्ड टू लेटर बी, तो बी लेटर जो होगा, ठीक है, बी ऑर्डर जो होगा हमारे पास, उसमें जो बी लेटर होगा उससे पहले क्या लगेगा, टी लगेगा। उसके बाद हमारे पास वर्क पेपर्स, कार्य पत्र, डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड एंड डिस्पैच बाई ए सेट ऑफ ए ट्रांजिट सेक्शन और मेल ऑफिस एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाई इट बाई लेट वर्क। तो किसी भी ट्रांजिट सेक्शन, परिवहन अनुभाग के सेट के द्वारा या फिर डाक कार्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज रिसीव होते हैं जो, या फिर प्राप्त होते हैं, एज वेल एज जो एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे पास विवरण होते हैं, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स जो अदर दूसरे दस्तावेज होते हैं जो इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं जब ये काम कर रहा होता है, ठीक है, इसके काम के समय जब वो तैयार होते हैं, किसी परिवहन अनुभाग के एक सेट या कार्यालय को प्राप्त होने या उसके द्वारा भेजे जाने वाले दस्तावेजों या फिर एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं, विवरण होते हैं, या फिर दूसरे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं जब वो उसके काम का समय होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वर्क पेपर्स। उसके बाद हमारे पास ड्यू मेल्स एंड सॉर्टिंग लिस्ट, अपेक्षित डाक और छंटाई सूची। ड्यू मेल लिस्ट शोज डिटेल्स ऑफ बैग्स टू बी रिसीव्ड एंड डिस्पैच बाई अ मेल ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन। तो डिटेल होती है इसमें क्या, किस चीज की डिटेल होती है, ऐसे बैग्स की जो हमारे पास डाक कार्यालय या फिर परिवहन अनुभाग के द्वारा रिसीव होने हैं या डिस्पैच होने हैं, प्राप्त होने या उनका प्रेषण होना है, ये चीज इसमें दिखाई जाती है। इट विल शो, अब इसमें क्या क्या दर्शाया जाएगा, इन बट केसेस मेल लिस्ट आर टू बी डिस्पैच एंड रिसीव विद लूज बैग्स। तो हमारे पास इसमें सबसे पहली चीज, किन अवस्थाओं में हमारे पास पृथक थैलों के साथ, ठीक है, लूज बैग के साथ जो मेल लिस्ट है वो प्राप्त होनी है या प्रेषण करनी है। ट्रांजिट बैग्स आर टू बी यूज्ड। उसके बाद हमारे पास दूसरी क्या चीज दिखाई जाएगी कि परिवहन थैलों का प्रयोग करना है। अकाउंट बैग्स एंड बीओ बैग्स आर टू बी सेंट और रिसीव्ड इन मेल बैग्स। जो अकाउंट बैग्स होते हैं या फिर ब्रांच ऑफिस बैग्स होते हैं उनको सेंट करना है या रिसीव करना है, भेजना है या प्राप्त करना है मेल बैग्स के अंदर। इन केसेस ऑफ एसओ द मेल बैग्स कंटेनिंग कैश बैग्स एंड क्लोज इन रजिस्टर्ड बैग्स। और जो हमारे उप डाकघरों के मामलों में नकदी वाले थैले होते हैं उनको रजिस्ट्री थैलों के अंदर रख के भेजा जाना है या बंद करना है। उसके बाद सॉर्टिंग मेल लिस्ट बिल शो, जो हमारी छंटाई सूची है वो क्या दर्शाएगी, फार बट ऑफिस मेल बैग्स एंड रजिस्टर्ड बैग्स आर टू बी मेड अप। तो किन कार्यालयों के लिए हमारे पास जो मेल बैग्स हैं या रजिस्टर्ड बैग्स हैं बनाए गए हैं। टू बट ऑफिस पार्सल मेल आर्टिकल्स मे बी सेंट डायरेक्ट, और किन कार्यालयों के लिए हमारे पास जो पार्सल मेल के आर्टिकल्स होते हैं उनको सीधे भेजा जा सकता है। द मैनर इन विच दे मस्ट बी डिस्पैच, और उनको कैसे बंद करना है, किस तरीके से बंद करना है या प्रेषण करना है उनका, ये सारी चीजें इसमें दर्शाई जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ड्यू मेल्स एंड अनयूजुअल मेल्स, अपेक्षित डाक और अनियत डाक। ड्यू मेल क्या होता है हमारे पास, कंप्राइजेज ऑल दी बैग्स आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी डिस्पैच्ड एवरी डे और एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें हमारे पास ऐसे थैले, आर्टिकल्स या फिर दस्तावेज आते हैं जिनको हर रोज यानी कि एवरी डे या फिर उनको निश्चित अवधि के पश्चात उनको प्रेषण करना होता है, प्रेषित करना होता है, उसको क्या कहेंगे, ड्यू मेल कहेंगे। और अनयूजुअल मेल में क्या आता है, कंप्राइजेज पार्सल बैग्स, पैकेट बैग्स, स्पेशल बैग्स, कैंप बैग्स, टेलीग्राफ बैग्स और एनी अदर बैग्स नॉट इंक्लूडेड इन टर्म ड्यू मेल। तो ड्यू मेल के अंडर जो बैग्स नहीं आते हैं या जो डाक नहीं आती है उसको क्या कहेंगे, अनयूजुअल मेल कहेंगे, अनियत डाक कहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास फेस एंड फेसिंग, मुख और सम्मुखन। अब फेस क्या होता है, साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटन। किसी भी आर्टिकल का फेस उस साइड को कहेंगे जिस साइड उस आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, जो एड्रेसी है जिसके लिए आर्टिकल भेजा उसका एड्रेस जिस साइड लिखा है उसको क्या कहेंगे, आर्टिकल का फेस कहेंगे। फेसिंग क्या होता है, सम्मुखन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द एड्रेस साइड अपवर्ड्स एंड द एड्रेस इज टर्न इन द सेम डायरेक्शन। तो आर्टिकल्स को इस तरह अरेंज करना ताकि उनके पते वाला भाग जो है ऊपर वाली साइड आ जाए और जितने भी एड्रेस लिखे हुए हैं आर्टिकल्स के ऊपर उनकी जो डायरेक्शन है वो एक हो जाए, उसको कहेंगे फेसिंग। उसके बाद आती है हमारे पास बीट, गश्त। बीट यूज्ड इन रिलेशन टू आरएमएस सेक्शंस। अगर रेलवे मेल सर्विस के अनुभागों के लिए बीट का यूज किया जाए तो उसका क्या मतलब होता है, रेलवे और स्टीमर लाइन्स ओवर बीच दी सेक्शन बर्क्स। रेल या फिर स्टीमर लाइन्स का वह भाग जिस पर कोई भी अनुभाग काम करता है उसका, उस अनुभाग का, उस रेलवे स्टेशन या फिर स्टीमर लाइन भाग को क्या कहा जाएगा, बीट कहा जाएगा, गश्त कहा जाएगा। मैन यूज्ड इन रिलेशन टू पोस्टल ओवरसीज एंड डिलीवरी एजेंट्स, पोस्टमैन एंड विलेज पोस्टमैन। और जब हमारे पास बीट शब्द का प्रयोग जो पोस्टल ओवरसीज होते हैं या फिर डिलीवरी एजेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, द एरिया विद इन विच दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। तो जो हमारे पास उनकी निर्धारित
उनकी जो ड्यूटी है जिस एरिया में वो उस ड्यूटी को करते हैं उसको क्या कहा जाएगा, उनकी बीट कहा जाएगा। प्लस पोस्ट ऑफिस इज सर्व्ड बाय ऑफिशियल कंसर्न, और संबंधित जो ऑफिशियल है कर्मचारी है उससे जुड़ा हुआ पोस्ट ऑफिस जहां पे वो अपनी सेवाएं देता है वो भी उसकी बीट में ही गिना जाएगा, उसकी गश्त में ही उसको गिना जाएगा। उसके बाद हमारे पास कैंप कोरेस्पॉन्डेंस लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स एड्रेस्ड कैंप और विद एनी अदर प्रेस्क्राइब एड्रेस विदाउट द एडिशन ऑफ एनी पोस्ट ऑन एंड इंटेंडर फॉर हाई ऑफिसर्स ऑन टूर। तो कैंप पत्र व्यवहार या फिर कैंप पत्राचार शब्द का अर्थ है दौरे पर जाने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं जब उनके लिए हमारे पास कैंप आर्टिकल्स भेजे जाते हैं, लेटर्स भेजे जाते हैं या फिर अदर आर्टिकल्स भेजे जाते हैं जिनको कैंप के पते पर भेजा जाता है या फिर किसी अन्य निर्धारित पते पर भेजा जाता है, बट इसमें किसी भी पोस्ट टाउन का, किसी भी हमारे पास जो डाक नगर होता है उसको इसका इसमें नहीं जोड़ा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता है, उसको क्या कहेंगे, कैंप कोरेस्पोंडेंस कहेंगे। उसके बाद है लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स। लेट लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स प्रेजेंटेड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस और पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स ऑफ मेल ऑफिस आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ क्लोजिंग द मेल बट विद इन द इंटरवल अलोड विद प्रेस्क्राइब्ड लेट फीस प्लस पोस्टेज चार्जेस। तो लेट लेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास बे पत्र होते हैं जो डाक बंद करने के निर्धारित समय के बाद लेकिन इन पत्रों को डालने के लिए स्वीकृत अंतराल में। अब इसका क्या मतलब हो गया हमारे पास कि प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ क्लोजिंग मेल, अब सभी जितनी भी हमारे पास डाक की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनको बंद करने का पोस्ट ऑफिस में अलग अलग समय है, ठीक है। तो उस निर्धारित समय के समाप्त होने के बाद जो लेटर्स हमारे पास पोस्ट ऑफिस विंडो में लाए जाते हैं, मेल ऑफिस में, डाक कार्यालय में लाए जाते हैं या फिर डाक कार्यालय के लेटर बॉक्स में उनको पोस्ट किया जाता है, बट विद इन द इंटरवल, बट इस अंतराल में जो हमारे पास लेट फीस प्लस पोस्टेज चार्जेस पे करने के बाद दिया जाता है कि उस अंतराल में अगर लेट फीस और पोस्टेज चार्जेस आप उसमें लगा के देते हो, उस लेटर में आप पे करते हो, तो उस लेटर को पोस्ट कर दिया जाएगा। तो उस निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद जो अंतराल दिया जाता है उसमें आप उसमें लेट फीस भी लगा देते हो और पोस्टेज चार्जेस भी आप उसमें दे देते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको लेट लेटर कहा जाएगा और उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि इसमें जो लेट लेटर्स होते हैं उनको कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, तो उनको पोस्ट ऑफिस विंडो, बिल्कुल ध्यान से आपको इसको याद रखना है, पोस्ट ऑफिस विंडो, डाक कार्यालय या फिर जो हमारे डाक कार्यालय के पोस्ट बॉक्स होते हैं, लेटर बॉक्स होते हैं, वहां पे इनको पोस्ट किया जा सकता है जो लेट लेटर्स होते हैं। टू लेट लेटर्स क्या होते हैं, दोज पोस्टेड विद इन सच इंटरवल बट विदाउट हैविंग बीन फुली प्रिपेयर्ड विद पोस्टेज और लेट फीस। अब जो टू लेट लेटर्स होंगे ये क्या होंगे, ये भी हमारे पास उस निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद ही पोस्ट किए जाएंगे बट विद इन द इंटरवल अलोड विद प्रेस्क्राइब लेट फीस, ठीक है, उस अंतराल में जो हमारे पास लेट फीस के साथ आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। बट इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें लेट फीस नहीं दी है अगर किसी ने तो उसको क्या माना जाएगा, उसको टू लेट लेटर माना जाएगा। अगर लेट फीस दे दी है तो उसको लेट लेटर माना जाएगा और उसको पोस्ट कर दिया जाएगा, अगर उसमें लेट फीस नहीं दी गई है तो उसको टू लेट लेटर माना जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, डिटेन्ड लेट फीस नोट पेड, तो इसके ऊपर स्टैंप लगाई जाएगी, डिटेन्ड लेट फीस नोट पेड, रोक लिया गया है, इसके ऊपर लेट फीस नहीं दी गई है एंड डिटेन्ड टिल नेक्स्ट डिस्पैच, और अगले प्रेषण तक उसको पोस्ट ऑफिस में ही रोक के रखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास मिस सेंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स। मिस सेंट आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स एरोन्यूसली फॉरवर्ड बाई एन ऑफिस टू एन ऑफिस अदर देन ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन और बाई रूट अदर देन प्रेस्क्राइब्ड वन। तो मिस सेंट आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो गलती से किसी कार्यालय के द्वारा, किसी ऑफिस के द्वारा उसके गंतव्य कार्यालय की बजाय किसी और ऑफिस को भेज दिए जाते हैं या फिर निर्धारित मार्ग के स्थान पर किसी अन्य मार्ग पर भेज दिए जाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, मिस सेंट आर्टिकल कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास मिसडायरेक्टेड आर्टिकल्स। मिसडायरेक्टेड आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनकरेक्ट डेस्टिनेशन हैज बीन रिटन इन इंग्लिश बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। अगर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के द्वारा किसी आर्टिकल के ऊपर इनकरेक्ट डेस्टिनेशन यानी कि गलत उसका गंतव्य कार्यालय लिख दिया है तो उसको क्या कहा जाएगा, मिसडायरेक्टेड आर्टिकल कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास ट्रायल कार्ड, अजमाइश कार्ड, दीज आर सर्विस पोस्ट कार्ड, तो ये हमारे पास सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं M26 से, एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल रूट्स और कोज ऑफ डिटेंशन ऑफ आर्टिकल्स। इसका इस्तेमाल वैकल्पिक डाक मार्गों से होने वाले सापेक्ष लाभ का अंदाज लगाने या वस्तुओं के पहुंचने में होने वाली देरी का कारण जानने के लिए किया जाता है। ऑन दी बैक फॉलोइंग कॉलम्स आर प्रिंटेड। अब जो हमारा ट्रायल कार्ड होता है उसके बैक के मैक कौन कौन से कॉलम छपे होते हैं, सोर्स ऑफ रिसिप्ट, प्राप्ति का स्रोत, रिमार्क एंड मिस कनेक्शन, कैफियत या फिर अपसंयोजक, मैनर ऑफ डिस्पोजल, निपटान का तरीका, डेट स्टैंप ऑफ ऑफिस और सेक्शन, कार्यालय या फिर अनुभाग की डेट स्टैंप, साइन ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर या फिर सुपरवाइजर।
कॉलम्स शुड बी केयरफुली फिल्ड बाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर ऑफ ईच ऑफिस और सेक्शन हैंडलिंग दी कार्ड. तो जिस भी कार्यालय या फिर अनुभाग के द्वारा इस कार्ड को ट्रायल कार्ड को हैंडल किया जाएगा उसका जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा पोस्ट मास्टर या फिर सुपरवाइजर जो होगा पर्यवेक्षक जो होगा उसके द्वारा इसके जितने भी कॉलम्स हैं उनको ध्यानपूर्वक भरा जाएगा. ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन पोस्ट मास्टर नोट डेट प्लस आवर्स ऑफ मेल कन्वेइंग द कार्ड. और जब हमारा ये ट्रायल कार्ड पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे गंतव्य कार्यालय पे तब जो पोस्ट मास्टर होगा वो डेट और जिस टाइम पे ठीक है और आवर्स ऑफ मेल कन्वेइंग द कार्ड तो जिस मेल के थ्रू वो कार्ड आया उस मेल के पहुंचने के घंटे ठीक है किस समय वो पहुंचा है और तारीख वो दोनों चीजों को नोट करेगा. डेट प्लस आवर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ कार्ड बिफोर द सेम इज रिटर्न्ड इन सर्विस कवर टू ऑफिसर हु इशू इट. तो इसमें क्या हमारे पास कि पोस्ट मास्टर को भी बैक कार्ड जारी करने वाले अधिकारी के पते पर विभागीय लिफाफे में वापस करने से पहले कार्ड को ले जाए जाने वाली डाक के पहुंचने की तारीख और समय तथा उस कार्ड के वितरण की तारीख और समय उस पर जो उसका कवर होगा उस पर लिख देना चाहिए. कार्ड शुड बी फॉरवर्डेड बाई रूट इफ एनी मार्क देने और अगर कोई भी मार्क निर्धारित मार्क जो है निर्धारित किया गया है कार्ड के पीछे तो उसको उसी रूट से भेजना चाहिए. शुड नॉट इंक्लूड इन स्टेशन बंडल. और हमारे जो ट्रायल कार्ड होते हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास की जो ट्रायल कार्ड होते हैं इनको स्टेशन बंडल में इंक्लूड नहीं करना चाहिए. उसके बाद है हमारे पास ड्यू मेल. अब ड्यू मेल में हमारे पास कौन कौन सी मेल आ जाती है हम इसको एक बार देख लेते हैं. मेल बैग, ट्रांजिट बैग, अकाउंट बैग, ब्रांच ऑफिस बैग, रजिस्टर्ड पैकेट बैग, प्रेस्क्राइब, निर्धारित रजिस्टर्ड पैकेट बैग यानी कि रजिस्टर्ड बैग, टीडी एंड एनटीडी बैग्स, अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास टीडी एंड एनटीडी बैग्स. तो ये सारे ड्यू मेल में आते हैं. अनयूजुअल मेल में हमारे पास पार्सल बैग, पैकेट बैग, कैंप बैग, स्पेशल बैग, रजिस्टर्ड पैकेट बैग, नोट प्रेस्क्राइब ये अनयूजुअल मेल में आते हैं. और नोट ड्यू बैग्स यानी कि जो हमारे पास ड्यू मेल में नहीं आते हैं कौन कौन से हमारे पास लेबल्ड बंडल, रजिस्टर्ड बंडल्स, इंश्योर्ड बंडल्स, पार्सल बैग्स, कैश बैग्स, स्पेशल बैग्स, कैंप बैग, एयर मेल बैग्स, स्पीड पोस्ट बैग्स. तो ये हमारे पास ड्यू मेल बैग में नहीं आते हैं. उसके बाद हमारे पास इंश्योर्ड बैग्स नॉट कम्स अंडर ड्यू नाइदर अनयूजुअल मेल. और जो हमारे इंश्योर्ड बैग्स होते हैं ना ही हमारे पास ड्यू बैग में आते हैं और ना ही अनयूजुअल मेल में आते. फ्रेंड्स ये था हमारा वॉल्यूम 5. थैंक यू.